everyone, welcome to Maneuver, and today we will discuss part 11 in this series TIS exam. If you are targeting TIS 2023, so continue aapke liye general awareness section se monthly current affairs as well as which is important for TIS exam. For example, census 2011 award section, sports award and such type of the series continue maine previously cover kiya hai. So this is the part 11 which is related to Nobel Prize. So Nobel Prize is very important. आप कंटिन्यू देख सकते हो प्रीवियस ईयर में 2021, 2019, 2017, कोई क्वेश्चन नहीं आया था एंड रिसेंटली अभी नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ अक्टूबर में एंड दिसंबर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. एज पर द प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न हियर यू कैन सी 2021 देयर वाज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू नोबेल प्राइज which was related to Nobel Peace Prize. कौन से organization को मिला था? World Food Program. 2019-2020 में question नहीं था Nobel Prize से related करके. And 2022 में भी question नहीं था. It means last year. So this year it's highly expected. So 2019 में there was one question Nobel Prize for Medicine. Okay. तो ये आप देख सकते हो. 2018 में the recipient of the Nobel Prize for the Economics in year 2017, so also this question is from the Nobel Prize. 2017 mein there was one question related to static Nobel Prize related information. It means who discovered the radioactive element radium? So Marie and Curie. So these two personality received, I think, 1903 mein Nobel ka physics ke field mein inko mila tha. तो ये कैसा क्वेश्चन है? इट्स अ स्टैटिक क्वेश्चन जो कि नोबेल प्राइज से रिलेट करके है. सो गाइज, एज पर द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस आई कैन अश्योर यू कि 1 marks का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस ईयर. आप देख सकते हो लास्ट 1, 2, 3, 4 ईयर से कंटिन्यू है, अल्टरनेट है. यहाँ पे 2019 में पूछा गया, 2020 में नहीं आया, 2021 में आया, 2022 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो 2023 में इट्स हाईली एक्सपेक्टेड. सो बेसिकली इन टुडेज वीडियो जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, करेंट रिसिपियंट एज वेल एज इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोई इंडियन पर्सनालिटी को इस ईयर नहीं मिला है. ओके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन फॉर्म होता है तो दैट इज हाईली एक्सपेक्टेड फॉर यू. तो थोड़ा सा इंडियन पर्सनालिटी से रिलेटेड आपको अपडेट करके रखना है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी इस ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट इज फाइन, जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर बोथ पीपल जस्ट मेक अ नोट, एक नोट बना लो. नोबेल प्राइज को जो भी आप कंटेंट फॉलो करते हो, जो भी आपके पास बुक है, स्टडी मटेरियल है, वॉट एवर, सो वहां से इसको अच्छे से रिवाइज करना. ठीक है, कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट डेफिनेटली आई विल डिस्कस, बट आपके स्टडी मटेरियल से डिस्कस करना एंड ट्राई करना जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का. तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे करंट अफेयर्स के जो करंट रिसिपियंट है कौन से फील्ड में उनको मिला है, दैट आई विल ऑल्सो डिस्कस. बट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इट मीन्स नोबेल प्राइज है क्या, थोड़ा सा मैंने डिस्कस करूंगा, बट और मोर डिटेल में आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है वहां से रिवाइज करना. इंडियन पर्सनालिटी जिनको मिला है, किस फील्ड में मिला है, कभी मिला है, किसको मिला है, दिस ऑल द डेटा इज इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए. ओके गाइज, सो दोज हु आर प्लानिंग एंड वॉन्ट टू अपियर दिस ईयर आर फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो हियर वी स्टार्टेड द बैच. आप इंक्वायर भी कर सकते हो यहाँ पे. सो लाइव क्लास, बुक, शॉर्टकट मैथड, डाउट रिकॉर्डेड एंड टॉपिक वाइज, दिस ऑल द स्टडी मटेरियल यू विल गेट फॉर योर प्रिपरेशन. एंड इफ यू आर टारगेटिंग द मुंबई, गुवाहाटी, तुलजापुर, हैदराबाद, सो इफ यू आर मुंबई बेस्ड, सो क्लासरूम प्रोग्राम्स के लिए आप यहाँ पे इंक्वायर कर सकते हो, दादर, बोरीवली एंड वसई. एंड फॉर ऑनलाइन के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 8828851455, और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट. सो डेडिकेशन एंड राइट मटेरियल के साथ प्रिपरेशन करना है तो डेफिनेटली एक बार इंक्वायर कर सकते हो. बाय द वे, नाउ कम टू द पॉइंट, नोबेल प्राइज इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लो अपने एंड से, उसको राइट वे में प्रिपेयर कर लेना विद स्टैटिक इन्फॉर्मेशन एज वेल एज करंट अफेयर से रिलेट करके. ओके, नाउ सी नोबेल प्राइज है क्या. नोबेल प्राइज, दिस विल बी द स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर एंड इंडस्ट्रीज अल्फ्रेड नोबेल एस्टैब्लिश द 5 नोबेल प्राइज इन 1895 में. इनिशियली 5 नोबेल प्राइज को फॉर्म किया गया था, विच वॉज गिवन इन द केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस. एंड देन 1967 में एक और ऐड किया गया विच इज इकोनॉमिक्स. ओके, सो नाउ करेंटली कितने फील्ड है, 6 फील्ड में नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. याद रखना 5 इनिशियली 5 थे एंड आफ्टर दैट 1967 में एक और ऐड किया गया, इकोनॉमिक्स. ओके, तो ये हो गया आपके लिए एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नोबेल प्राइज. देन अवार्ड टू दोज हु ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर हैव कॉन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड. सो
नोबेल पीस प्राइज वॉज द फर्स्ट अवार्डेड 901 फेडरिक पेसियन हेनरी डंट, फर्स्ट टाइम जो दिया गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने देखा ये वाला क्वेश्चन था वहाँ पे रेडियो एक्टिव वाला, जो मैरी क्वेरी से रिलेट करके था। ये मैरी क्वेरी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द प्राइज 1903 फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव। तो ये 2017 में क्वेश्चन आया था एज अ स्टैटिकली। ओके, तो इसी टाइप के और भी बहुत सारे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। व्हेन यू विल रीड फ्रॉम द एनी पर्टिकुलर कंटेंट, जो भी आप बुक फॉलो करते हो जनरल अवेयरनेस के लिए, उसमें सारी डिटेल्स होती है। तो आप अच्छे से स्टडी करना एंड देन प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हियर आई विल डिस्कस। इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज वॉज इंस्टीट्यूटेड 1967 एज आई टोल्ड यू, एंड वॉज द फर्स्ट गिवन 1969 रेगनर फ्रिस एंड जैन टिनबर्गन 1969। ओके, मैरी क्वेरी वॉज द फर्स्ट वेमेन। देखो ऐसे क्वेश्चन किसमें पूछता है, फर्स्ट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट वेमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है इसमें। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विन द प्राइज 903 फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड द फर्स्ट एशियन टू बी अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज। ठीक है, तो ये भी इस टाइप का फर्स्ट टाइप का इन्फॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड हियर। देन सेरेमनी डेट 10 दिसंबर, अभी रिसेंटली जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 10 दिसंबर को इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अक्टूबर मंथ में अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, सो ये सम स्टैटिक फैक्ट है रिलेटेड टू नोबेल प्राइज, एज वेल एज आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट प्रिपेयर फ्रॉम योर एंड वॉट एवर कॉन्टेंट यू आर फॉलोइंग। ठीक है, नेक्स्ट करेंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर से जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है देख लो। करंट रिसिपिएंट कौन है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स के जो रिसिपिएंट हैं इस साल के, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जिलिंगर। ओके, किस फील्ड के लिए मिला है, मतलब इन्होंने क्या रिसर्च किया है, सो क्वांटम इन्फॉर्मेशन साइंस के लिए। याद रखना, क्वांटम इन्फॉर्मेशन साइंस के डिस्कवरी के लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म, इट मींस इस टाइप का एक डिस्कवरी किया, दैट्स व्हाई दे रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ठीक है, तो इन तीनों पर्सनालिटी का नाम आपको रिमेंबर करना इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे डिफिकल्ट है रिमेंबर करना, सो उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड है। आपको मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी शो कर दिया, जहां पे पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन मे बी आस्क इन योर एग्जाम। देन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 2022 के लिए जो है, सो कैरलिन आर बर्टोजी, मार्टिन मेंडल एंड के बैरी सार्प्लेस। सो दीज ऑल आर द थ्री पर्सनालिटी जिनको मिला है केमिस्ट्री फील्ड का 2022 का। बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ये फील्ड आप इसका नाम याद रखना, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, इसके रिसर्च के लिए क्लिक केमिस्ट्री इसको बोलते हैं, क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दीज पर्सनालिटी नेम, ये तीनों पर्सन का आपको नाम रखना है या रिमेंबर रखना है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी एक सिंगल पर्सन वाला होता है दैट इज अ हाईली एक्सपेक्टेड। सावंते पाइबो नाम इनका, फॉर द डिस्कवरी ऑफ द कंसर्निंग ऑफ द जीनोम ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनीज एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। तो इस टाइप के डिस्कवरी के लिए इनको ये मिला है, सावंते पाइबो। ओके, इनका नाम रिमेंबर रखना फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2022, सो एनी एर्नॉक्स, सो इनके बुक का जो नोबेल का नाम है ये देख सकते हो आप, इतना बड़ा सा, इतना लेंथी है। तो अगर से क्वेश्चन में बुक्स एंड राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन फॉर्म होता है कि दिस नोवेल इज रिटन बाय होम, ऐसा भी हो सकता है बिकॉज अवार्ड से नहीं पूछा, नोबेल प्राइज से नहीं पूछा, तो बुक्स एंड राइटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर दैट इज, तो वहां से पूछ सकता है। सो इनका नाम रिमेंबर रखना, एंड सी इज अ रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, देन नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया है, वन पर्सन एलन बिलियाक्सकी एंड टू इंस्टीट्यूशन मेमोरियल फ्रॉम द रूस एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज फ्रॉम द यूक्रेन। सो इन टू ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन एंड वन पर्सनालिटी। ठीक है, सो एलन बिलियाक्सकी बिलोंग टू बेलारूस, मेमोरियल फ्रॉम द रूस एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज फ्रॉम द यूक्रेन। ओके, द पीस प्राइज लॉरिएट रिप्रेजेंट द सिविल सोसाइटी ऑफ इन देअर होम कंट्री, दे हैव फॉर मेनी ईयर्स प्रमोटेड द राइट ऑफ क्रिटिसाइज द पावर ऑफ प्रोटेक्ट एंड फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स। तो ये सब सारी चीजें इन्होंने सारे फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किया अपने कंट्री में, सो दैट्स वाई दीज ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनैलिटी रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर पीस 2022। ओके, होप सो रिमेंबर रहेगा आपको। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, सो दे आर रिसिपियंट बेन एस ब्रेनेक,
डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एस डाइबिग. सो दीज पर्सनैलिटी आर रिसिपियंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, सो फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है, रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस किस फील्ड के लिए है? रिसर्च फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, दीज ऑल आर द रिसिपियंट इन इकोनॉमिक्स. सो दीज ऑल आर द करेंट रिसिपियंट फ्रॉम द 2022. सो होप सो आपको रिमेंबर रखना है, किसी एक से कनेक्ट करके हाईली पॉसिबल है, इट मे बी आस्क इन योर एग्जाम. नाउ सी द वेल नोन रिसिपियंट फ्रॉम द इंडिया इन अ पास्ट. सो ये सारे पर्सन है, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर सेन, मदर टेरेसा, दलाई लामा, कैलाश सत्यार्थी एंड सीवी रमन एंड अभिजीत बैनर्जी. रिसेंट लास्ट रिसिपियंट, अभी करंट रिसिपियंट बोल सकते हो, 2019 के इंडियन बॉर्न अभिजीत बैनर्जी इकोनॉमिक्स फील्ड में है. उसके पहले 2014 में जो मिला था नोबेल पीस प्राइज कैलाश सत्यार्थी को. सो इनसे रिलेट करके मैंने कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है. सो ये सारे डिटेल्स आपको अपने एंड से भी अपडेट करना है एंड इस पे जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सको दैट इज इंपॉर्टेंट. सो रविंद्रनाथ टैगोर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913. ठीक है, 1913 रिमेंबर रखना. सो रविंद्रनाथ टैगोर, ही इज अ म्यूजिशियन, ही इज अ पोएट, म्यूजिशियन एंड पेंटर. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर द प्रोफाउंडली सेंसेटिव फ्रेज एंड ब्यूटिफुल वर्स, ऑल्सो कॉल्ड द बार्ड ऑफ बंगाल, इट मीन्स पोएट ऑफ बंगाल एंड गुरुदेव. इनको गुरुदेव भी बोलते थे. तो इनकी जो इनका जो पोएट्री है गीतांजलि, गीतांजलि के लिए ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. ओके, सो रविंद्रनाथ टैगोर ईयर रिमेंबर रखना. नेक्स्ट सीवी रमन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज वेल नोन फॉर द रमन इफेक्ट, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिस्कवरी के लिए इनको दिया गया. 1913 इंडियन सिटीजन है. सो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1913 याद रखना, ईयर याद रखना, किसके लिए? स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड दिस रिसर्च इज नोन एज अ रमन इफेक्ट. ठीक है, देन नेक्स्ट इंडियन सिटीजन मदर टेरेसा, इनको मिला था पीस के लिए नोबेल पीस प्राइज 1979. सो बर्न इन द रिपब्लिक ऑफ मैकडोनिया, मदर टेरेसा मूव टू इंडिया एट द एज ऑफ 19. सी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ हियर एज अ रोमन कैथोलिक नन एंड एज अ मिशनरी सर्विंग द पुअरेस्ट ऑफ पुअर. सो बेसिकली जो सोशल वर्क के लिए इनको दिया गया था पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 1979 रिमेंबर रखना. नेक्स्ट वन इज अमर सेन. अमर सेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन सिटीजन. देखो दो टाइप के, एक तो इंडियन सिटीजन है जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, दे ऑल आर इंडियन सिटीजन. एक है इंडियन बॉर्न सिटीजन, मतलब इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं बट दे लिव इन अ फॉरेन कंट्री. ठीक है, सो अमर सेन एंड जो ये इंडियन सिटीजन मैंने मेंशन किया, ये कंप्लीटली इंडिया से बिलोंग करते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाके वहां पे जॉब या फिर वहां पे सेटल नहीं है. ओके, सो अमर सेन. देन कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी नोबेल पीस प्राइज 2014, ही इज ऑल्सो इंडियन सिटीजन. ठीक है, सो नोबेल प्राइज, नोबेल का पीस प्राइज 2014 में है. स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द सुपरेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू एजुकेशन, द चिल्ड्रेन इज अ राइट एंड एजुकेशन एक्टिविस्ट. सो इज अ बेसिकली एजुकेशन एंड राइट ऑफ चिल्ड्रेन. सो उसके लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है, आप लोगों को उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कमेंट में पोस्ट करना है. आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी पीपल गिव द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो ही शेयर द नोबेल प्राइज विद द मलाला यूसुफजई 2014. Okay, so he is also well-known personality. And then this is the chart of the complete recipient of Indian and Indian origin person. एक तो इंडिया से belong करते हैं और एक Indian origin person है. So रविंद्रनाथ टैगोर, CV रमन, physics, कौन से field में मिला, कौन से year में मिला, belong to which state or कौन से country में अभी वो settled है, United State for example, अभिजीत बैनर्जी से relate करके देखोगे तो born in Kolkata है. And he's an Indian origin person. ठीक है, तो ये complete list आपके लिए काफी helpful है, आप इसको revise कर सकते हो and सारे information आप update रखो. Highly expected है आपके exams के लिए. 1 marks I can say this year is expected from the Nobel Prize. Okay, and if you want to download this content, जो भी यहाँ पे मैंने explain किया, so description you will see the link, so you can download, आप download कर सकते हो for your revision purpose. As well as I will suggest कि जितना उसके question practice कर लेना, variety of the question करोगे तो आपको वो remember भी रहेगा. Okay, if you're targeting the TIST 2023 and 2024, so here you can inquire for live class, classroom books, mock tests and everything. It means right material you will get for your preparations. So online and live class के लिए आप inquire कर सकते हो. If you're Mumbai based, so आप क्लासरूम प्रोग्राम के लिए
इंक्वायर कर सकते हो ऑन दीज नंबर फॉर द डिफरेंट सेंटर, बोरीवली, वसई एंड दादर, एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस. हियर यू विल गेट द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉर योर प्रिपरेशंस एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम. एंड फॉर डाउनलोड दिस कॉन्टेंट जस्ट विजिट द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड डोंट फॉरगेट टू गिव द आंसर क्वेश्चन विच आई आस्क. What is the name of the institution which is formed by Kailash Satyarthi? Okay, if you found this video is helpful, so please press the like button. Thank you.